हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पॉलिटिकल साइंस का जो मेजर पेपर है उसका सेमेस्टर टू का सिलेबस बताने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है, और बढ़िया से क्लियर करवाने वाले हैं। इसके साथ ही स्टूडेंट्स आपका बुक्स के बारे में भी कुछ बताएंगे, कौन से बुक पढ़ने से आपका सारा क्लियर होगा, ठीक है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह वीडियो कब आएगा, ये सारा कुछ आपको इसमें बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सारे UGPG के सारे सेमेस्टर्स का यहाँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सिलेबस वगैरह सारा कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ UG सेमेस्टर 2 4 ईयर यानी कि नया सिलेबस है, ठीक है, जो मेजर पेपर आपका 2 है और पॉलिटिकल साइंस का। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स मार्क्स आपका 25 है, 5 अटेंडेंस और अदर 20, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 25 हो गया, फिर 75 नंबर इधर, यानी कि कुल टोटल मिला के आपका 100 नंबर हो गए हैं, ठीक है। और 40 नंबर आपका पासिंग मार्क्स है, जैसे कि हम बता चुके थे पहले ही, ठीक है। सेमेस्टर इंटरनल एग्जामिनेशन जो आपका 25 नंबर का होगा, इंटर सेमेस्टर एग्जामिनेशन 75 अंक का होगा, ठीक है, ये पिछले बार की तरह है। और आगे देखिए पॉलिटिकल थ्योरी यानी कि थ्योरी पेपर है सिर्फ, इसमें प्रैक्टिकल आपका नहीं है, ठीक है। अब लर्निंग आउटकम में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको आउटकम मिलने वाला, बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए कोर्स कंटेंट मेन चीज़ ये है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये 8 पॉइंट अगर आप बढ़िया से क्लियर कर लिए तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 8 पॉइंट क्लियर करवाएंगे हम भी अपने इस चैनल में, तो स्टूडेंट्स आप चैनल में हमेशा जुड़े रहिएगा ताकि आप इसको बढ़िया से देख पाएँ, ठीक है। ये सारा पॉइंट जो है स्टूडेंट्स ये बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट लिया गया है जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी है, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और महत्व, जो इंग्लिश वाले होंगे यहाँ देख सकते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, जैसे कि यहाँ राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है, राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति नेचर क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। अब देखिए शास्त्रीय परम्परा, अर्थ विशेषताएँ महत्व और सीमाएँ, शास्त्रीय परम्परा का जो अर्थ है क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसका महत्व किस प्रकार से आज के जीवन में है, ठीक है, और सीमाओं के बारे में इसकी क्या सीमाएँ, इसका इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स क्लासिकल ट्रेडिशन मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ, आधुनिक परंपरा, एक शास्त्रीय परंपरा हो गया, एक आधुनिक परंपरा हो गया, ठीक है। आधुनिक परंपरा का भी अर्थ बताना, विशेषताएं महत्व और सीमाएं, यहाँ देखिए मॉडर्न ट्रेडिशन मीनिंग करेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, ठीक है। अब फोर्थ नंबर देखिए व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, व्यवहारवाद क्या होता है, उत्तर व्यवहारवाद क्या होता है, इसके बारे में हमको पढ़ लेना, बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ठीक है, तो इसके बारे में हो गया। पांचवा नंबर देखिए राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, जो राज्य व्यवस्था है उसकी उत्पत्ति और विकास कैसे होता है, इसके लिए स्टूडेंट्स मेरे पास यानी कि पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत सारे बुक्स हैं मेरे पास, ठीक है, ऑलरेडी है, तो हम बहुत ही बढ़िया से क्लियर करवाने वाले हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग जुड़े रहिएगा चैनल में ताकि हम जो है बहुत सारे बुक्स को पढ़ के वीडियो बनाएंगे, ठीक है, नोट्स वगैरह का सारा। तो स्टूडेंट्स ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप तुरंत नोटिफिकेशन जाए तो देख पाइएगा, तुरंत वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं पाँचवा नंबर हो गया राज्य व्यवस्था की उत्पत्ति और विकास, यहाँ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट सिस्टम। अब सिक्स नंबर देखिए स्टूडेंट्स संप्रभुता, संप्रभुता क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में, एकलवाद और बहुलवाद, संप्रभुता के अंदर ही एकलवाद और बहुलवाद होता है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सोवरेनिटी मोनिज्म एंड प्लूरलिज्म, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर सेवन्थ नंबर स्टूडेंट्स न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वालिटी, जो न्याय होता है उसकी अर्थ परिभाषा सारा कुछ आपको जान लेना है, समानता, तो इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे ही, तो आप लोग जरूर से बने रहिएगा चैनल में, ठीक है। आठवां नंबर है स्टूडेंट्स राइट्स एंड लाइबिलिटी, अधिकार और स्वतंत्रता, ठीक है, अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में जैसे पूछ देगा, इसके बारे में क्या क्या पूछेगा उसके लिए वीडियो आएगा, ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा। अब देखिए पुस्तक, क्या क्या पुस्तक आप ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ने से आपका क्लियरिटी आएगी, ठीक है। ए डी आशीर्वाद एवं के मिश्र का है राजनीतिक सिद्धांत, एस चांद नई दिल्ली, आर सी अग्रवाल का राजनीतिक सिद्धांत, एस चांद नई दिल्ली, ठीक है। एस पी वर्मा का है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, विकास पब्लिकेशन नई दिल्ली। प्रभुदत्त शर्मा आर्वाचीन राजनीतिक सिद्धांत, कॉलेज बुक डिपो जयपुर का है। ओ पी गाबा राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, मयूर पब्लिकेशन नई दिल्ली का है, ठीक है। एस पी वर्मा का आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, विकास प्रकाशन नई दिल्ली, ठीक है। जे सी जौहरी आधुनिक राजनीतिक के सिद्धांत, स्टील अस्टलिंग पब्लिकेशन नई दिल्ली है, ठीक है। ज्ञान सिंह संधु राजनीतिक सिद्धांत, हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय नई दिल्ली का है। तो ये सारा कुछ बुक आपको कॉलेज के लाइब्रेरी से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, और हम इसके लिए स्पेशल वीडियोज लाएंगे तो आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। डॉक्टर पुखराज जैन राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत, साहित्य प्रकाशन आगरा का है।
बीरकेश्वर प्रसाद राजनीतिक सिद्धांत भारती भवन पटना का है, ठीक है। एससी सिंघल राजनीतिक सिद्धांत लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा का है। गांधी जी राय राजनीतिक सिद्धांत भारती भवन पटना का, और इंग्लिश वालों के लिए ए है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग बढ़िया से क्लियर कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमको इतना ही बताना था। इससे साथ ही स्टूडेंट्स, हम एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो अवश्य से जुड़ जाइए, ठीक है, ताकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पर देते रहते हैं। तो जरूर से जुड़ जाइएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमको इतना बताना था, और आप लोग जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपका हेल्प हो पाए, ठीक है। हम भी हेल्प करना चाहते हैं पढ़ने वाले बच्चों को, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।